हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में एक कंबाइंड मैंने एग्जांपल को सोल्व कराया था, आई होप कि आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा। उससे आपको रिएक्शन का मगब हो जाएगा, रिएक्शन आपको ध्यान में रहेगी। ठीक है, कुछ मैंने क्वेश्चन कराए थे और उसको आप अच्छे से करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ अब हम चलते बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा यहाँ पर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट है। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। थोड़ा सा इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों अब हम अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन का केस। तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन क्या होता है बच्चों? ये मैंने बना दिया ये एल्डिहाइड, ये मैंने बना दिया ये कीटोन। तो यहां पर अल्फा बीटा पोजीशन आपका अनसेचुरेटेड है, इसको हम क्या बोलेंगे, ओलिफिनिक बॉन्ड, ओलिफिनिक बॉन्ड। और ये वाला भी आपका कौन सा बॉन्ड होगा, ओलिफिनिक बॉन्ड, ओलिफिनिक बॉन्ड। अब ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक ऑन ओलिफिनिक बॉन्ड, ऐसा था। और ये आपका कौन सा बॉन्ड है बच्चों, कार्बोनाइल बॉन्ड, कार्बोनाइल बॉन्ड। तो हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक ऑन कार्बोनाइल बॉन्ड। तो ध्यान से समझेंगे कि किस तरीके से आपको रिएक्शन को प्रोग्रेस करना है। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। देखो क्या होता है कि एल्डोल कंडेंसेशन मैंने आपको पढ़ाया था और केनिजारो मैंने आपको पढ़ाया था। तो एल्डोल और केनिजारो से ही रिलेटेड मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन। पहले हम सिंपल लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टफ न्यूमेरिकल की ओर। देखो ये मैंने लिया कोई एग्जांपल, ये आपका अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड। इसकी रिएक्शन अगर मैंने इसके साथ करा दिया, देखो ध्यान से, इसकी रिएक्शन मैंने इसके साथ कराया, ये आपका इन प्रेजेंस ऑफ बेस C2H5OH, C2H5O-, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप कर ले जाएगा। बेस आपका एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करके ले जाएगा। जैसे ही बेस आपका एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करके ले जाएगा तो यहां पर आपका क्या बनेगा, यहां पर आपका इस तरीके से यहां पर आपका माइनस चार्ज आ जाएगा। अब ये आपका इनोल बना लेगा, यहां पर कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म होगा तो यहां पर ये आपका इनोल फ्रेगमेंट बना लेगा। तो इस तरीके से आपका ओ माइनस हो जाएगा। लेकिन मैं इसका अटैक ना करा के मैं इसका अटैक, इसका अटैक। अब देखो आपका ध्यान रखना, ओलिफिनिक बॉन्ड या फिर इनोलेट ऑलवेज अटैक ऑन, इनोलेट, इनोलेट ऑलवेज अटैक, लिख देता हूं बच्चों में, आपको समझ में आ जाएगा। इनोलेट ऑलवेज अटैक ऑन ओलिफिनिक बॉन्ड, इनोलेट आपका हमेशा ओलिफिनिक बॉन्ड पर अटैक करेगा। तो ये आपका देखो यहां अटैक करेगा तो ये आपका यहां जाएगा तो आपका क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से समझना। देखो ये आपका यहां मैं बना देता हूं, यहां पर ये माइनस चार्ज आ जाएगा। अब ये आपका इस तरीके से यहां पर सी ओ एच, ठीक है, इस तरीके से बन गया। नाउ अब ये आपका अटैक किया होगा तो ये आपका इससे जुड़ जाएगा, किससे, इस बॉन्ड से आपका ये वाला कंपाउंड जुड़ेगा, जोड़ दिया। अब यहां पर इसके पास दो इस तरीके से है बच्चों, ये आपका बन गया। देखो ये आपका कंपाउंड इससे जुड़ गया सीधा, ठीक है, ये आपको मैंने ऐसे जोड़ दिया सिंपल। अब देखो यहां पर माइनस चार्ज है तो ETOH जो आपका बाहर निकला था, यहां पर C2H5OH जो आपका बाहर निकला था वो अब आपका H+ देगा इसको। जैसे ही आपका H+ देगा तो यहां पर माइनस चार्ज आपका बैलेंस हो जाएगा। तो माइनस चार्ज जैसे ही आपका बैलेंस होगा तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो थोड़ा इस केस को ध्यान रखो, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड को, ठीक है, हमेशा वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, वीक न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करेगा। तो एक और क्वेश्चन देखते बच्चों, बच्चों अब हम ध्यान से देखते एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड। अगर मैंने इस तरीके का क्वेश्चन मैंने ले लिया, ओ सी टू एच फाइव, ये मैंने डबल बोन, ये यहां पर, ये मैंने डबल बोन, ये यहां पर, ठीक है, और यहां पर इस तरीके से मैंने रिएक्शन कराना है, ठीक है, ये आपका किटो, ठीक है।
अब इसकी रिएक्शन मुझे ETOH ETO- के साथ कराना है बेस के प्रेजेंस में, तो बेस क्या करेगा फिर आपका एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करके ले जाएगा। तो सबसे मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन आपका कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा। ये वाला आपका जब एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो यहाँ पर अब आपका क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर आपका माइनस चार्ज ये यहाँ जाएगा, ये आपका इनोलेट आयन का फॉर्मेशन कर लेगा, लेकिन हम वो इनोलेट आयन की तरह अटैक नहीं कराएंगे। तो अब क्या होगा बच्चों सेकेंड स्टेप में, देखो यहाँ पर O C2H5, ये आपका इस तरीके से यहाँ पर O, यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर ये इस तरीके से। मैं बच्चों इनोलेट आयन का अटैक नहीं करा रहा, मैं सीधा माइनस चार्ज का अटैक करा रहा हूँ, मैंने आपको कई बार बताया है तो ध्यान रखना, उससे आपको इजी पड़ जाएगा, लेकिन वैसे इनोलेट आयन ही अटैक करता है। ये आपका यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ खुलेगा, तो देखो कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी बच्चों यहाँ पर। यहाँ पर अगर मैं देखो ये यहाँ पर इसको थोड़ा सा इसको मैं अगर एक और बॉन्ड बना दूं, यहां पर मैं एक और बना देता हूं इस तरीके से, देखो यहां पर इस तरीके से इसने यहां अटैक किया, तो यहां पर अब आपका इस तरीके से, अब देखो ध्यान से समझना, यहां पर कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी, एक दो, यहां पर ध्यान से समझेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच। अब जैसे ही आपका ये यहां अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड आपका यहां खुलेगा, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों O C2H5 CO। अब देखो CO आपका किससे जुड़ा हुआ है, फोर्थ से, तो फोर्थ से जुड़ जाएगा, और थर्ड पे आपका क्या जाएगा C डबल बॉन्ड हो, ठीक है, सेकंड ये बन गया, और वन टू आपका क्या हो जाएगा, वन टू पोजिशन 1 1 5 ये हो गया। नाउ अब आपका क्या बन जाएगा बच्चों, इस तरीके से आपका कंपाउंड यहां पर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इसने इस तरीके से अटैक किया, थोड़ा सा इस अटैक को थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो एक और क्वेश्चन दे देखते हैं बच्चों, अब हम थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे आ जाएगा बच्चों ये समझ में आपको। एक और क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएगा। देखते हैं बच्चों एक और क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन अगर मैंने ऐसा लिया, ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने CH3MgBr के साथ कराई और हाइड्रोलाइसिस करा दिया, ठीक है, और इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई बच्चों, इसकी रिएक्शन मैंने कराई यहां पर, ध्यान से समझना, इसकी रिएक्शन मैंने LDA के साथ कराई, LDA मतलब बेस, यहां पर सोडामाइड ला लेता हूँ, NaNH2 के साथ कराई, ठीक है, NaNH2 के साथ रिएक्शन, और NaNH2 के साथ आपका कौन है बच्चों, यहां पर NaNH2 के साथ आपका इस तरीके से आपका कीटोन कंपाउंड है, ठीक है। अब देखो दोनों रिएक्शन में फर्क है बच्चों, ये आपका रिएजेंट है, ठीक है, यहां पर ये आपका रिएजेंट है। अब देखो क्या होगा, CH3 माइनस, CH3 माइनस क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनाता है, क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो ये अब आपका कहाँ अटैक करेगा, इस तरफ, और ये आपका ऊपर जाएगा, तो यहां पर क्या बना लेगा बच्चों, यहां पर ओलिफिनिक बॉन्ड पे अटैक नहीं करेगा ये, क्योंकि ये आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, यहां पर OH, यहां पर आपका CH3। लेकिन जैसे ही सोडामाइड क्या करेगा, इस पोजीशन से आपका एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप कर जाएगा, जब इस पोजीशन से आपका एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप कर जाएगा तो यहां पर इस तरीके से माइनस चार्ज आएगा। अब ये जो माइनस चार्ज है वो आपका यहां अटैक करेगा, ठीक है, माइनस चार्ज आपका यहां अटैक करेगा, और जैसे ही आपका माइनस चार्ज यहां अटैक करेगा तो यहां पर ये बन जाएगा, और यहां पर ये, यहां पर माइनस चार्ज होगा, लेकिन यहां से जो हाइड्रोजन में जो अमोनिया निकला था, अमोनिया के प्रेजेंस में ये आपका एच वापस से आपको मिल जाएगा, यहां पर एच आपका फिर से मिल जाएगा, और यहां पर आपका डाई कीटोन बन जाएगा। ध्यान रखना एल्डोल में हमेशा एक एल्कोहल बनता था और एक कीटोन, लेकिन अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड में डाई कीटोन कंपाउंड भी आपका बनता है, कौन सा बनता है बच्चों, डाई कीटोन कंपाउंड। इसी तरीके से अगर मैंने इसकी रिएक्शन PHLi के साथ करा दिया, वो इसी में लिखता हूं, अगर मैंने इसकी रिएक्शन मैंने बच्चों PHLi के साथ करा दिया, तो PHLi में भी ये आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का सोर्स होगा, तो ये जब ये आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का सोर्स होगा तो ये यहां अटैक करेगा तो यहां पर क्या बना लेगा O-Li, और इसके बाद हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, ठीक है, तो यहां पर आपका PH, यहां पर डबल बॉन्ड। नाउ हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर OH PH, इस तरीके से आपका कंपाउंड बनेगा। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंडीशन में कौन सा आपका ओलिफिनिक बॉन्ड पे अटैक करेगा और कौन सा आपका कीटोन बॉन्ड पे अटैक करेगा, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
देखो विच, ये मैंने कोई क्वेश्चन लिया, ठीक है, ये मैंने कोई क्वेश्चन लिया, यहां पर मेरा रिएजेंट है। अब मैं यहां पर बोलूं कि विच रिएजेंट कैन अटैक ऑन ऑलिफिनिक बॉन्ड। ऑलिफिनिक बॉन्ड पे आपका कौन सा रिएजेंट अटैक करेगा? पहला मैंने लिख दिया NH3, सेकंड मैंने लिख दिया HCN, थर्ड मैंने लिख दिया HCl, फोर्थ मैंने लिख दिया HBr, फिफ्थ मैंने लिख दिया यहाँ पर CH3Li, सिक्स मैंने लिख दिया यहाँ पर CH3 होल ट्वाइस CuLi, ठीक है, सेवंथ मैंने लिख दिया यहाँ पर CH3MgBr, ठीक है, और एट मैंने लिख दिया RNH2, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें से कौन कौन से आपके ओलिफिनिक बॉन्ड पे अटैक करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों। ये आपका वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये आपका ओलिफिनिक बॉन्ड पर अटैक करेगा, ये भी आपका वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, ये भी आपका ओलिफिनिक बॉन्ड पर अटैक करेगा, ये भी आपका वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये भी आपका ओलिफिनिक बॉन्ड पर अटैक करेगा, ये भी आपका ओलिफिनिक बॉन्ड पर अटैक करेगा, लेकिन ये आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो ये आपका ओलिफिनिक बॉन्ड पर अटैक नहीं करेगा, ये आपका कार्बोनाइल बॉन्ड पर अटैक करेगा, ठीक है, कार्बोनाइल बॉन्ड पर अटैक करेगा, ध्यान से समझना, कार्बोनाइल बॉन्ड पर अटैक करेगा, और इसका नाम क्या है बच्चों, गिलमांस रिएजेंट, और ये भी आपका वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, ये भी आपका क्या होता है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, मैंने बताया था सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो ये भी आपका कहाँ अटैक करेगा, उस पोजिशन पे, ठीक है, यहां पर मैंने ये मैंने लिख दिया है, तो ये आपका क्या होता है बच्चों, ये भी आपका अटैक नहीं करेगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये भी आपका क्या होता है बच्चों, वीक न्यूक्लियोफाइल, तो ये भी आपका अटैक करेगा, ठीक है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना बच्चों ये सब। अगर मैं एक और एग्जाम्पल यहां पर लूं कि जैसे मैंने ले लिया यहां पर CH3C(OO-), अब इसका अटैक कराना है, तो ये क्या है बच्चों आपका, देखो ये आपका कहाँ अटैक करेगा, ये भी यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो ये भी आपका सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, तो ये भी आपका ओलिफिनिक बॉन्ड पे अटैक करेगा, तो इस तरीके से आपको कहाँ अटैक कराना है, इसका इसको इस तरीके से आपको समझना है, जो भी आपका माइनस चार्ज अगर रेजोनेंस में होगा तो वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होके अल्फा बीटा मतलब अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड पोजिशन पर अटैक कर जाएगा। अगर मैंने बात कर लिया कि यहाँ पर 10th, एक और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों, उससे आपको और समझ में आ जाएगा, अगर मैंने ऐसा एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, ओ सी टू, यहाँ पर CH3 लगा लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने ये माइनस, देखो बच्चों यहाँ पर इनोलेट आयन वाला कॉन्सेप्ट है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड आपका रेजोनेंस में होता है, ठीक है, रेजोनेंस में होने की वजह से ये भी आपका क्या हो जाएगा, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, तो ये भी आपका कौन से बॉन्ड पे अटैक करेगा, ओलिफिनिक बॉन्ड पे, तो ओलिफिनिक बॉन्ड पे आपका कौन अटैक करेगा, कौन आपका कार्बोनिल बॉन्ड पे अटैक करेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है। एक और हम यहाँ पर रिएजेंट को देख लेते हैं बच्चों, एक और रिएजेंट को देख लेते हैं यहाँ पर NaH, ठीक है, 11th NaH, अब देखो NaH, NaH में आपका H माइनस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और ये अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो ये आपका कहाँ अटैक करेगा, कार्बोनाइल बॉन्ड पे, तो इस तरीके से हमको यहाँ पर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंडीशन में ध्यान रखना होता है कि इसी को हम क्या बोलते हैं, माइकल एडिशन, जो कि मैंने आपको बताया था। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के केस में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के केस में इस कार्बोनिल सेंटर पे आपका अटैक होगा, लेकिन अगर वीक न्यूक्लियोफाइल के केस होगा तो आपका ओलिफिनिक बॉन्ड पे अटैक होगा। तो टोटल ओलिफिनिक बॉन्ड पे अटैक करने वाले कौन कौन से बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कंपाउंड टोटल ओलिफिनिक बॉन्ड पे अटैक करेंगे, और जो रिमेनिंग होंगे वो सारे के सारे आपके कौन से पे, आपके यहाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे तो वो कार्बोनिल बॉन्ड पे अटैक करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, तो इस तरीके से हमारा एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी खत्म होती है बच्चों। नाउ अब हम चलेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन पे, ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा, सो थैंक यू सो मच।